नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे प्रोफेसर सतीत रथ के साथ कोविड-19 की जो खतरनाक दौर इस वक्त हमारे देश में चल रहा है। सत्यजीत, नंबर्स की अगर देखें, सिर्फ नंबर्स की, तो लगता है कि कुछ हद तक एक प्लेटो जिसे कहते हैं, कुछ हद तक फ्लैटनिंग हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, पर देश के पैमाने पे थोड़ा फ्लैटनिंग हो रहा है। क्या इससे कोई हम समझ सकते हैं कि शायद अब प्लेटो हो रहा है, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हो रहा है, ये कि अभी भी एक अनिश्चयता के स्थिति में है, नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, तो इस वक्त कहना मुश्किल है। क्या इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो प्रवीर, जैसा कि आप कह रहे हैं, देश भर के जो आंकड़े हैं, जो 2 दिन पहले 4 लाख का आंकड़ा पार कर गए थे, फिर 392,000 पे आए, कल का आंकड़ा अलबत्ता फिर 4 लाख हो गया, रविवार का आंकड़ा है, फिर भी ना 368,000 है। आज वर्ल्डोमीटर कह रहा है कि 4 लाख फिर हो गया हमारा नंबर। अच्छा, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कम से कम देश के, पूरे देश के मिलके आंकड़े जिस तेज रफ्तार से ऊपर जा रहे थे, वो रफ्तार कम हो गई है, यूं लग रहा है पिछले 3-4 दिनों के आंकड़े देखकर। तो ये तो बड़ी अनिश्चित सी बात है, लेकिन जो जिस बात का हमने बार बार जिक्र किया है पहले भी, वो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये कोई एक बिल्कुल यूनिफॉर्म सी लहर नहीं है। ये अलग अलग जगहों में होने वाले छोटे छोटे स्थानिक उद्रेक हैं, आउटब्रेक्स हैं, और उनकी अपनी अपनी दिशा है। तो देखने लगो तो पूर्व भारतीय राज्यों में, ईशान्य भारत में, वैसे उड़ीसा में भी, बंगाल की बात छोड़ दीजिएगा, बंगाल में हाल में चुनाव हुए हैं, उन चुनावी रैलियों का कितना असर कोविड के फैलाव पर पड़ा है ये हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन आम तौर से फिर भी पूर्वी भारत में लग रहा है कि अभी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन राज्यों के आंकड़े अभी तक बहुत ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। उत्तरी और दक्षिणी भारत दोनों में अभी आंकड़े ऊपर जा रहे हैं, जैसे कर्नाटक में जा रहे हैं, जैसे तमिलनाडु और केरला में जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में शायद जा रहे हैं, जैसे पंजाब में जा रहे हैं, लेकिन बीच में गुजरात, महाराष्ट्र, शायद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इस इलाके में आंकड़े जो बहुत जल्दी ऊपर तक गए थे, वो वहां जाके उनके बढ़ने की रफ्तार इन राज्यों में कम हुई है, लेकिन वहां भी वो एक राज्यव्यापी एक लहर है ये बात नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र में, पूर्वी महाराष्ट्र में अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन पश्चिमी महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई पुणे इलाके में, शायद आंकड़े थम गए हैं, कुछ यूं दिखाई दे रहा है, खास करके मुंबई और इलाके में, कि कम होने को आ रहे हैं। तो इस तरीके से हर छोटे छोटे इलाके में जो उद्रेक है, जो आउटब्रेक है, उसकी अपनी अपनी दिशा है, और इसलिए अनिश्चितता इस वक्त बहुत बड़ी है। तो हम में से कोई यूं मानकर ना चले कि मॉडलर हो ना गैर मॉडलर हो, कि हम ठीक पक्का अनुमान लगा सकते हैं कि आज से हफ्ते भर में देश की जो आंकड़े हैं वो थम जाएंगे और नीचे आने लगेंगे, और वे 5 लाख तक जाएंगे, 6 लाख तक जाएंगे, 4-4.5 लाख तक ही जाएंगे, इसका सही अनुमान हम लगा नहीं सकते। अभी जो हालात है वो ये है कि किसी न किसी उचित तरीके से दूरीकरण के उपाय हमने अपनाने चाहिए, एक और,
और दूसरी ओर जो अस्पतालों की बिल्कुल संगीन परिस्थिति अवस्था निर्माण हुई है उसके बारे में जो अभी के अभी तुरंत करना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन की उपलब्धि, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धि, जैसे कि अस्पताल में जगहों की उपलब्धि, इस पर अभी के लिए नजर हमें देनी चाहिए। और उसके साथ साथ जहां जहां पर लहर फैल रही है वहां वहां पर सिलेक्टिव लॉकडाउन्स करने की जरूरत है, क्योंकि अभी ट्रैकिंग और चेक करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये मुश्किल है। अगर बड़े पैमाने पे नंबर्स निकल के आते हैं तब लॉकडाउन के अलावा चारा होता नहीं है। अभी साफ है कि हमने जब 600 की संख्या करीब थी उस वक्त लॉकडाउन किया था, अब इतने बड़े पैमाने पे फैलने के बाद भी हम केंद्र सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि ये स्टेट्स पर है। पहले भी स्टेट्स पे छोड़ दिया जाता, शायद तब इतनी जो देखा हमने इतने बड़े पैमाने पे माइग्रेशन वगैरह नहीं होता। उस वक्त एक जादू की छड़ छड़ी की तरह सोचा गया था लॉकडाउन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब साफ है कि ये सही नहीं है। और अभी भी जो क्राइसिस हमारी है, और ये मेरा दूसरा सवाल है कि वो क्राइसिस हॉस्पिटलों की ये प्रेशर के ऊपर है, और वहाँ अभी भी जैसे महाराष्ट्र में आपने कहा कि कुछ जगहों पे नंबर्स कम हो रहे हैं जैसे मुंबई में, पर दिल्ली अगर शहर देखें तो नंबर्स अभी भी एक काफ़ी ऊंचे स्तर पे पहुंच चुका है, काफ़ी लेवल हाई है। और उसके साथ साथ क्योंकि रिकवरीज इस वक्त आपकी जो नए इन्फेक्शन से कम है तो अस्पताल पे प्रेशर सिर्फ बरकरार ही नहीं बल्कि बढ़ रहा है, और इस वजह से ऑक्सीजन के क्राइसिस एक स्टेडी स्टेट पे नहीं है, लगातार हमारी यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रहा है। और ये दिल्ली कैपिटल है कि दुनिया की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, पर यूपी देखें, मध्य प्रदेश देखें, गुजरात देखें, बिहार देखें, ये क्राइसिस पश्चिम बंगाल जहाँ पर नंबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इस वक्त वहाँ पर देखें, और ख़ास तौर से मुफस्सल टाउन जिसे कहते हैं हम या रूरल इलाका से अगर पर देखें तो ये क्राइसिस बढ़ते जा रहा है। ये नंबर स्टेडी रहने का मतलब नहीं है कि क्राइसिस घट जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी अस्पताल पे प्रेशर हमारा ये बरकरार रहेगा और कितना दिन तक रहने? मुझे तो लग रहा है प्रबीर के अस्पतालों पर जो दबाव है वो यूं ही आते चंद दिनों तक तो चलता रहेगा, और इसलिए मैंने अभी हाल में जो कहा कि अस्पतालों की ओर और अभी के अभी जो उनकी क्राइसिस अवस्था है उसकी ओर हमने ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और वहां जो जरूरी उपलब्धियां हैं उनकी ओर बहुत ही सतर्कता से ध्यान देना चाहिए। तो ऑक्सीजन की बात तो सभी जगह हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की बात, स्वास्थ्य कर्मियों पर जो दबाव आ रहा है दिन ब दिन, हफ्ता ब हफ्ता ड्यूटी पर रहने से, कोविड की ड्यूटी पर रहने से, पीपीई किट पहन के 8-8, 10-10, 12-12 घंटों की ड्यूटियां करने से बगैर छुट्टी के, स्वास्थ्य कर्मियों पर जो दबाव आ रहा है उसके बारे में हम सोच नहीं रहे। हम ये भी नहीं सोच रहे कि नए दूसरे स्वास्थ्य कर्मी कहाँ से आएंगे। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि आखिरी वर्ष के वैद्यकीय छात्रों को या नर्सिंग छात्रों को या जो इंटर्न्स हैं वैद्यकीय छात्र उनको कोविड ड्यूटी पर लगाया जाए, लेकिन वो तो इतने प्रशिक्षित हैं नहीं जितने होने चाहिए। तो ये सब मसला अभी भी हमारे लिए बड़ा गंभीर है और इसकी ओर हमने ध्यान देना चाहिए एक ओर से। दूसरी ओर से जहां तक स्वयंसेवी संगठनों से, सिविल सोसाइटी से इन लोगों की हम मदद कर सके, जहां तक हो सके हमने करनी चाहिए। और एक बात मैं कहूं कि ऑक्सीजन का मसला तो सब लोग जानते हैं,
लेकिन जैसे हम ऑक्सीजन की खामी देख रहे हैं, वैसे ही हम कई ऐसे ऐसी दवाएं देख रहे हैं जो सरकारी स्तर पे भी बगैर सबूत की कोविड 19 के लिए बार बार दी जा रही हैं। जैसे कि आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दिया जा रहा है कई जगह, तो जैसे कि फेविफ्लू फेविपिराविर दिया जा रहा है, रेमडेसिविर जो बिल्कुल गिने चुने रोगियों के लिए सही बताया जाता है, वो भी सब के सब मरीजों के लिए दिया जा रहा है। और इससे एक यू माहौल बढ़ रहा है कि मरीजों के रिश्तेदार ये सब अलग अलग तरीकों की दवाइयां बाजार में ढूंढते ढूंढते बेहाल हो रहे हैं। ये कोई माहौल स्थिर करने के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमने ये याद रखना चाहिए कि अच्छी नर्सिंग, ऑक्सीजन, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेलेशन से सांस में दिए जाने वाले कार्टिकोस्टेरॉइड और मुंह से या इंजेक्शन से दिए जाने वाले कार्टिकोस्टेरॉइड, ये सही उपाय हैं कोविड 19 के मरीज के लिए। अलबत्ता अगर उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, जो अक्सर होता है, तो एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से दवाइयों की जो लिस्ट है वो लंबी होने से ये जो बिल्कुल भयंकर हालात दिखाई दे रहे हैं उनमें भी एक तरीके की बढ़ोतरी होती है, माहौल बिगड़ जाता है। तो ये आपको कहना है कि जो इस वक्त हमारे ICMR की लिस्ट है वो WHO की जो ट्रायल्स हुए हैं और भी ट्रायल्स हुए हैं उसके मुताबिक जिसको अपग्रेड करना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी भी जो पुराने समझ थी, जो इस वक्त ज़्यादातर जगहों पे लोगों ने देखा कि सही नहीं है, ख़ासतौर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह चीज़ों लेकर, आइवरमेक्टिन भी उसमें शामिल है कि कोई अभी तक कोई सबूत नहीं है उसकी, कोई फ़ायदा एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है या नहीं है उसको देखने के लिए, इस COVID-19 में कोई फ़ायदा है या नहीं देखने के लिए। तो ये अभी भी हमारे मेडिकल अभिदान में, ICMR के अभिदान में पड़ा हुआ है, क्यों हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। पर निगाह इस वक्त रियली ऑक्सीजन पे है और उसके बाद वैक्सीन पे है। और ये भी साफ है कि वैक्सीन में हम ज़रूर इसके बारे में कई बार चर्चा करने की बात कर चुके हैं, तो आप ज़रा बताएंगे कि वैक्सीन का इस वक्त क्या अहमियत है और वैक्सीन की ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे तो कब क्या उसका फल होएगा, कब तक होएगा इसका, क्या इस एपिडेमिक में इस वक्त कोई राहत मिलेगी या इसकी राहत जो है उसका थोड़ा वक्त लगेगा उसको मिलने के लिए। तो एक बात मैं साफ करना कहना चाहूंगा कि अभी हाल में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, पिछले हफ्ते भर में, आते हफ्ते भर में जो आंकड़े बढ़ेंगे, जिस दिशा में, जिस रफ्तार से बढ़ेंगे, चाहे जितना टीकाकरण हम कर लें उस रफ्तार पे, उन आंकड़ों पे कोई असर नहीं होने वाला। और इसका कारण ये है कि आज अगर आपने मुझे वैक्सीन का, टीके का पहला डोज दे दिया, 4 हफ्ते बाद कम से कम आप मुझे दूसरा डोज दीजिएगा, लेकिन वो दूसरे डोज की भी बात छोड़ दीजिएगा, पहला डोज लेने के बाद कम से कम 3 हफ्ते मेरे बदन को लगेंगे, जो प्रतिक्रिया है, जो 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 एंटीबॉडी वाली क्षमता है वो बांधने के लिए। तो 15 दिनों तक, पहले 15 दिनों तक तो वैक्सीन का कोई भी असर दिखाई नहीं देना है। तो इसलिए अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसका असर 3-4 हफ्ते बाद ही दिखाई देगा, और इसलिए आते हफ्ते 2 हफ्तों में जो महामारी के आंकड़े आने हैं उस पे आज चलते वैक्सीनेशन का कोई असर नहीं पड़ना है। लेकिन इसलिए हम ये ना सोचें कि फिर टीकाकरण की
के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि टीकाकरण एक ही सही उपाय है आज के तेज रफ्तार को रोकने के लिए, नहीं, लेकिन 3 महीने बाद 6 महीने बाद जो और उद्रेक हो सकते हैं, जो और लहरें आ सकती हैं, अगर लहर शब्द को का प्रयोग करना चाहें तो, उनकी तीव्रता कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए टीकाकरण यही एक मार्ग है। और इसलिए हमें टीकाकरण की जो मुहिम है उसके अच्छे चलने की, उसके भी तेज रफ्तार से चलने की बहुत सख्त जरूरत है। और इसी बात पे हम खत्म करना चाहेंगे सिर्फ एक टिप्पणी के साथ कि हम देख रहे हैं इस वक्त टीकाकरण के लेके एक जो चीज अच्छी चीज हुई है कि लोगों की जो दुविधा थी टीका लेके वो काफी हद तक कम हो गई है, क्योंकि लोगों को लगता था एक हमारे पास सहूलियत है कि हमारे यहाँ शायद ये नहीं होगा, पैंडेमिक नहीं होगा, इसीलिए टीका लगाए ना लगाए ये हम बाद में सोच सकते, इतने कोई अर्जेंसी नहीं है। ये तो इस आउटब्रेक लहर जो भी कहिए उससे साफ साबित हो चुका है कि पैंडेमिक है और जब तक टीकाकरण नहीं होगा पैंडेमिक रहेगा। दूसरी बात, लेकिन कबीर एक बात कहें, हाँ आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि टीकाकरण के बारे में लोगों की उदासीनता बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन उसके होते हुए, उसके कम होते हुए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी टीकाकरण की जो मुहिम है उसकी जो योजना है वो बिल्कुल अपर्याप्त रूप से सरकार यही मैं दूसरी बात कह रहा था इसके बारे में कि सिर्फ इतना ही नहीं कि गलत, मैं गलत नहीं कहूंगा, इसका परिकल्पना बहुत ही कमजोर रहा और बहुत ही अपर्याप्त रहा, बिल्कुल सही है आपने कहा। और सबसे बड़ी बात इस पे रहा, इस पे प्लानिंग एकदम गायब थी, ये पूरी तरह 2 कंपनियों पे छोड़ दी गई थी, और ये भी नहीं कहा था कि आपको हम कुछ कर्ज देंगे या आपके ऊपर ऑर्डर्स देंगे, कैसे इसका इनपुट्स कहाँ से आएंगे, अमेरिका से बात करें कि आपकी रोक है एक्सपोर्ट के ऊपर, हालांकि वो झूठ कह रहे थे कि एक्सपोर्ट का रोक नहीं है, बाद में कहा हम तो सिर्फ प्रायोरिटाइज कर रहे थे अपनी इंडस्ट्रीज को, रोक नहीं रहा लगा रहे थे, तो ये कह वहाँ पर कुछ नहीं किया। तो जो कम पूरी तरह से जो उदासीनता था वो तो साफ नजर आया है, और वो शुरू होता है इससे कि अब प्लानिंग कमीशन के जगह पर नीति पे जाते, नीति आयोग करते हैं, तो प्लानिंग आपका पूरा गायब था, वो तो आपकी ग्रुप्स भी इस पे, टास्क फोर्स ग्रुप्स भी इस पे मिल नहीं रहा था। अब जब शमन आपके सर पे खड़ा है तब आप कहते हो टीकाकरण कैसे बढ़ाए, इस तरह से बढ़ता नहीं है, वो तो साफ साबित हो गया है। अभी भी 7 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उसमें से 1-2 को अब इजाजत मिल रही है आप वैक्सीन बनाने की, जबकि आपकी ICMR की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की, पब्लिक सेक्टर के तहत पब्लिक पैसे से वैक्सीन आपने एक निजी हाथ में दे दिया, और इसको नहीं कहा कि और भी कंपनियों को देना चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा वैक्सीन पैदा हो। तो ये जो एक पूरी निजी कंपनियों के प्रति जो एक हमदर्दी है और पब्लिक सेक्टर के प्रति जो है क्या कहते हैं उदासीनता कहना भी कम होगा, उसको एक बैर भाव है, उससे हमारे ये वैक्सीन क्राइसिस जो है और भी ज़्यादा हुआ है। और सत्यजीत, इस बार हम अपने दर्शकों को गारंटी देते हैं कि अगले बार आपके साथ जब मिलेंगे तो वैक्सीन के बारे में विशद चर्चा करेंगे कि वैक्सीन को स्केल अप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या इस वक्त करना चाहिए, उसके साथ साथ जो दुनिया में एक वैक्सीन एपार्थाइड हम कह रहे थे, अमीर देशों को वैक्सीन मिलता है दूसरों को नहीं मिलता है, इस हालात को
एक आगे इसके आगे चल के हम देखेंगे, लगता है कि वैक्सीन का जंग शुरू हुआ है, क्योंकि अमीर देशों को लग रहा है वो जून तक वैक्सीन से वैक्सीनेशन अपना कर देंगे, तब दुनिया जय करने के लिए उनका तब कैंपेन शुरू होगा, उसकी तैयारी में इस वक्त लगता है लगे हुए हैं। और इसमें हम किस खेमे में शामिल होंगे, अपने साथ रहेंगे, अमेरिका के साथ रहेंगे जिसे क्वाड आजकल कहा जा रहा है, जापान ऑस्ट्रेलिया भी पिछलग्गू देश भी इस पर जुड़ गया है, पर है तो सही अमेरिका ही इसकी अगुवाई कर रहा है, वहां जाएंगे। ये तो हमारी जो पुरानी धारणा थी कि हमारी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होना चाहिए, अ सेल्फ लैंड एक पॉलिसी होनी चाहिए, उस पर रहेंगे, ये भी आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक और हमारी वेबसाइट में भी आइएगा। We'll be right back.